इस खिलाड़ी ने T20 वर्ल्ड कप से पहले लिया संन्यास से यूटर्न, बनेगा गेंदबाजों का काल। इस अफ्रीकी खिलाड़ी से दहशत में आए गेंदबाज, विराट का है जिगर यार। टीम में लौटते ही ये खिलाड़ी मैदान पर लगाएगा लंबे लंबे छक्के, अकेला ही पलट देता है मैच। ICC की अगली प्रतियोगिता T20 वर्ल्ड कप 2024 जो अगले साल जून में वेस्टइंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका की मेजबानी में खेली जाएगी। वर्ल्ड कप 2023 के समाप्त होने के तुरंत बाद सभी टीमें इस टूर्नामेंट को लेकर अपनी अपनी रणनीतियां बनाने में जुट गई हैं। इसी बीच एक ऐसे खिलाड़ी की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की खबर चल रही है जो लंबे अंतराल से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से दूर है। वो खिलाड़ी दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली का दोस्त है और दोनों ने कई बार बल्लेबाजी के दौरान लंबी लंबी साझेदारियां निभाई हैं। आगामी ICC टूर्नामेंट T20 वर्ल्ड कप 2024 को अब बस 6 महीने का ही वक्त बचा है। सभी टीमें अभी से इस बड़े इवेंट के लिए तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। इसी बीच दक्षिण अफ्रीका टीम के पूर्व कप्तान और IPL RCB के कप्तानी करने वाले फाफ डु प्लेसिस अगले साल वेस्टइंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में होने वाले टूर्नामेंट में वापसी कर सकते हैं। लंबी अवधि से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से दूर 39 वर्षीय क्रिकेटर फाफ ने अपना अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच अगस्त 2021 में पाकिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट मैच के रूप में खेला था। उसके बाद से उन्हें दक्षिण अफ्रीका की टीम में चयनित नहीं किया गया। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान फाफ डु प्लेसिस इन दिनों अबू धाबी T10 लीग में खेलते नजर आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2024 में अपनी टीम दक्षिण अफ्रीका में वापसी के संकेत दिए हैं। पूर्व अफ्रीकी कप्तान फाफ डु प्लेसिस इन दिनों दुनिया भर की T20 लीग में फ्रेंचाइजी के लिए खेलते हैं और शानदार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। उन्होंने अबू धाबी T10 लीग में T20 वर्ल्ड कप 2024 को लेकर कहा कि मुझे विश्वास है कि मैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर सकता हूं। हम पिछले कुछ वर्षों से इस बारे में बात कर रहे हैं। ये अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप के संतुलन का पता लगाने के बारे में ये निश्चित रूप से कुछ ऐसा है कि जिसके बारे में हमने नए कोच के साथ बातचीत की थी। आपको बता दें, साल 2021 और साल 2022 में खेले गए T20 वर्ल्ड कप उनकी उपलब्धता के बावजूद साउथ अफ्रीका टीम के चयनकर्ताओं ने उन्हें नजरअंदाज किया। इस दौरान फाफ डु प्लेसिस दुनिया भर की T20 लीग में खेलते रहे। हाल ही में संपन्न हुई साउथ अफ्रीका T20 लीग में वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज रहे। इस लीग में उन्होंने 10 मैचों में 369 रन बनाए। साउथ अफ्रीका T20 लीग में उनका हाईएस्ट स्कोर 113 रन का रहा था, जो कि नॉट आउट था। फाफ डु प्लेसिस की बात करें तो उन्होंने साल 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद से वनडे मैच नहीं खेला, जबकि दो साल पहले 2020 में उन्होंने अपने आखिरी इंटरनेशनल मैच के तौर पर T20 मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। फाफ डु प्लेसिस जल्दी टीम में वापसी करेंगे और अपने बहुमूल्य अनुभव का योगदान देने की उम्मीद करते हैं। तो आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।